हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आई एम करुण शर्मा। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो हम डे वाइज करेंगे। सबसे पहले जैसे हम 6 फेब का करंट अफेयर पूरा करेंगे, ठीक है, फिर 7th, फिर 8th, तो ऐसे ऐसे हम पूरे वीक का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो किस दिन मनाया जाता है ये इंटरनेशनल डे फॉर जीरो ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन? तो ये 6 फेब को मनाया जाता है। ठीक है जी, इसकी थीम भी क्या है, जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वुमन इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 6th फेब। द डे इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर द एफर्ट्स टू इरेडिकेट फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ठीक है जी, कौन स्पॉन्सर करता है इसको, यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर करता है। किस लिए, क्योंकि इरेडिकेट करना है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन को। इट वॉज ऑब्जर्व फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2003। अब यहाँ पे क्या है, 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरी चीज़ क्या है, यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो इसको स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है जी, किस दिन मनाया जाता है, 6 फेब को मनाया जाता है। 3 पॉइंट्स आ गए इसके, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीजर्स दैट इन्वॉल्व ऑल्टरिंग और इंजरिंग द फीमेल जेनाइटेलिया फॉर नॉन मेडिकल रीजंस एंड इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज अ वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ गर्ल्स एंड वुमन। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से आ गए कि इसको स्पॉन्सर कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस। सबसे पहले कब मनाया गया, सबसे पहले कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2003 में। और इसको मनाया कब जाता है, इसको मनाया जाता है 6 फेब को। ठीक है, 6 फेब को इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम व्हेन टू व्हेन द फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इज बींग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियाज G20। इस बार आपको पता है कि इंडिया चेयरमैन था G20 मीटिंग का। ठीक है, G20 मीटिंग इस बार इंडिया में हुई थी। तो कब से कब तक हुई थी, 5th to 7th February ये मीटिंग हुई थी, जो कि फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, द फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इज बींग ऑर्गेनाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया G20। द मीटिंग इज बींग हेल्ड इन बेंगलुरु। ठीक है जी, पॉइंट क्या आता है कि बेंगलुरु में 5th से लेके 7th फेब तक ये मीटिंग चली थी। ठीक है जी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं G20 मीटिंग्स के और गेस्ट कंट्रीज जितनी भी आई थी, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, वो सब पार्ट होंगी इस वर्किंग ग्रुप का। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा, क्या टू डिटरमाइन द एजेंडा एंड आइडेंटिफाई वर्क एरियाज फॉर द प्लान्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ओके, जो प्लान्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको, उसके वर्किंग एरियाज को आइडेंटिफाई करना, वो इस मीटिंग का एम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट्स ओन स्टेट सॉन्ग जय जय महाराष्ट्र माझा। तो महाराष्ट्र लिखा है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र तो लिखा ही है, तो महाराष्ट्र का ही स्टेट सॉन्ग बनाया है अभी। आपको पता है यहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ सरकार जो है उन्होंने ही अभी स्टेट एंथम अभी अभी डिक्लेयर किया है, किसको, जय जय महाराष्ट्र माझा। ठीक है जी, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 19th फरवरी को। अब 19th फरवरी को क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, बर्थ एनिवर्सरी होती है 19th फेब को। और इसी दिन क्या किया गया, इस सॉन्ग को स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। ठीक है, ये एक्चुअल में एक रिपोर्ट होती है जिसको कौन इशू करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है ये ग्रो करेगा 6.1% इन 2023। ठीक है, और 2004 में इसका एस्टिमेट है 6.8% का। ठीक है जी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन इशू करता है, IMF इशू करता है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे,
व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री इन द ईयर टिल सितंबर। तो सितंबर तक कितनी कितना परसेंट इंक्रीज आया है डिजिटल पेमेंट्स में, जो भी हम यूपीआई वगैरह करते हैं कितना इंक्रीज आया है। अब तो मैक्सिमम इंक्रीज आ गया है, ठीक है जी, बहुत इंक्रीज आया हुआ है, अब तो मैक्सिमम यही यूज़ करते हैं। तो सितंबर तक देखेंगे, लास्ट ईयर 2022 तक, तो इसका इंक्रीज था 24.13%, ये इंक्रीज आया था। नेक्स्ट चलेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, गोवा में, ये गोवा इसका आंसर होगा क्योंकि गोवा में एक पहले भी एक मिशन चल रहा था आई हेल्थ को लेके, उसी का एक एक्सटेंशन है। पहले क्या था, द विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम चला करता था सबसे पहले आई हेल्थ के लिए, 2021 फेब में इसको स्टार्ट किया गया था। बट अब इसी का एक्सटेंशन क्या है, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है जी। ये कौन, किसकी पार्टनरशिप, किसकी पार्टनरशिप है जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो है वन साइट इजिलर लग्जोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय। तो ये दो एनजीओज हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है और ये प्रोग्राम चलाया है, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। पहले क्या होता था, विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ था, अब स्कूल के बच्चों के लिए भी है और ये गोवा में है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली विच स्टेट्स वी के पांडियन, ठीक है, ये कौन से स्टेट के हैं, वॉज ऑनर्ड विद द एफ आई एच प्रेजिडेंट अवार्ड 2023। तो वी के पांडियन उड़ीसा, उड़ीसा के सीएम के सीएम सेक्रेटरी हैं, ठीक है जी। और इस बार आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप हॉकी का, वो कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ था। तो बस उसी के लिए, ठीक है, उसी के लिए एफआईएच, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, बी के पांडियन को एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड प्रोवाइड किया है या दिया है इनको। अब यहाँ देखते हैं, इन द फाइनल ऑफ द उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर रौरकेला, द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी, कौन है प्रेसिडेंट, तैयब इकरम, उन्होंने प्रेजेंट किया है हॉकी प्रेसिडेंट्स अवार्ड किनको, बी के पांडियन को, जो कि सेक्रेटरी हैं सीएम के उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के सीएम के सेक्रेटरी बी के पांडियन, उनको मिला है ये, ठीक है। किस लिए, क्योंकि उनकी मेरिटोरियस कॉन्ट्रीब्यूशन थी हॉकी में, इस बार वर्ल्ड कप भी वहाँ पे हुआ था। और उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अर्निंग्स ऑफ रेलवेज इन द पैसेंजर सेगमेंट रिसेंटली। तो कितना परसेंट अर्निंग इंक्रीज हुई है रेलवेज की इस साल, ठीक है, तो इस बार 73% इंक्रीज आया है रेलवे की अर्निंग में इन द पैसेंजर सेगमेंट। ओके, तो अप्रैल टू जनवरी 2023 तक देखा जाए, ठीक है, अप्रैल 2022 से लेके जनवरी 2023 तक देखा जाए तो कितना इंक्रीज आया, 73% आया है। ओके, नेक्स्ट आएंगे 9th क्वेश्चन पे, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूएस हाउस परमानेंट सिलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस। तो इंडियंस को काफ़ी जगह मिलती है, मिल रही है आजकल, ठीक है, काफ़ी हमारे इंडियंस जो हैं वो व्हाइट हाउस में हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन अमेरिकन कौन है जो कि अपॉइंट किया गया है यूएस हाउस परमानेंट सिलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के लिए, तो दैट इज एमी बेरा, ठीक है, एमी बेरा ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज ए न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग बंगाल सब एरिया, ठीक है, बंगाल सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग कौन बने हैं, तो वो बने हैं एच धर्मराजन, ठीक है, इन्हें अति वशिष्ठ सेवा मेडल भी मिला है, सेना मेडल बार भी है इनके पास, वशिष्ठ सेवा मेडल भी इनके इनको मिला है, ठीक है। तो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में ये कमीशन हुए थे 1986 में, तो आज के हमारे करंट अफेयर 6th फेब के इतने ही हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।